नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। आज 5 दिन होगा लाइट नहीं आई है। 5 दिन हो गए, 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच अगर आपके घर की बिजली कुछ घंटों के लिए भी चली जाए तो लोग बेहाल हो जाते हैं। सोचिए फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, जिनके यहाँ बीते कई दिनों से बिजली नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले करीब 5 दिनों से इलाके में बिजली गुल है, जिससे परेशान होकर लोगों ने इसकी सूचना सेक्टर 58 बिजली विभाग को पहले दिन ही दे दी थी, लेकिन अभी तक भी उनके घर में बिजली नहीं आई है। इसी के साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो अधिकारियों ने फोन उठाने भी बंद कर दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या की शिकायत करने के लिए DHBVN हिसार की आधिकारिक साइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने के बाद उन्हें फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपकी शिकायत का समाधान कर लिया गया है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन लोगों के घर तक अभी बिजली नहीं पहुँची है। सर, ये पिछले 5-7 दिन से बराबर बिजली नहीं आ रही है, जम्परे टूटे हुए हैं, कंप्लेंट लगातार की जा रही है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। अब यहाँ तक कि हो गया कि जई साहब फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए हैं। इधर पानी की भी समस्या है, अगर बिजली नहीं है तो गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ये समस्या जीवन नगर पार्ट 2 कवारा मार्केट, जिसे सिक्रैप मार्केट कहते हैं जी, ये यहाँ पिछले 7 दिन से ट्रांसफार्मर के जम्पर टूटे हुए हैं। फ़ोन करते हैं, कंप्लेंट पर बोलते हैं, अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, चेक करा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ, ना ही समस्या का कोई समाधान दिख रहा आगे तक। आज 5 दिन होगा लाइट नहीं आई है। 5 दिन हो गए, 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। लाइट नहीं आ रही है, जम्पर उड़े पड़े हैं, ट्रांसफार्मर के SDO साहब को, JE साहब को कंप्लेंट कर दी है, लेकिन हमारी समस्या का अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ। कोई सुनवाई करता ही नहीं है। हमने हिसार में भी कंप्लेंट डाली, उन्होंने बोली आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस समस्या को 5 या 6 दिन हो गए इस समस्या को। वही लोगों की समस्या सुनने के बाद हमने SDO बिजली विभाग सेक्टर 58 विनय कुमार से बात की। हेलो, नमस्कार सर, मैं पाइनियर अखबार से बात कर रही हूँ। पाइनियर? हाँ जी, सेक्टर 24 में है सर ऑफिस जी। सर, आपके यहाँ पे सेक्टर 58 में काफी दिनों से लाइट की इशू चल रही है एक एरिया में, तो सर उसी के इनकबाड़ वाली जो एरिया है मस्जिद के पास, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिनों से सर मेरे पास खबर आई है, उसी पे आपकी लाइट लेने के लिए फोन किया था मैंने। आपका मैं कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, आप चेक करा रहे हैं जी? आप बताइए सर, वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का कहना यह है कि उन्होंने आपके पास कंप्लेंट दे रखी है, फिर भी 7 दिनों से उनका कुछ हो नहीं पाया है, और ऑनलाइन आपका जो साइट है वहाँ पे भी कंप्लेंट है। आज की डेट में 7 दिन बिना बिजली कोई रह सकता है यहाँ पर? कल अगर ट्रांसफार्मर बंद हो जाए ना, तो अगले दिन तो मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, तो उनका तो फोन करेंगे, JE को फोन करेंगे, सारे नंबर दे रखे हैं, कंप्लेंट को करेंगे, किसने फोन मिला दिया, किसने कह दिया कि 7 दिन से नहीं आई जी। वो तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, लोगों ने जो भेजा है। उनका कहना ये भी है कि उन्होंने आपको और जो JE साहब हैं और कॉल किया है, पर आप लोग कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप पहले तो आपने कहा था, देखो ना, कॉल के स्क्रीन शॉट मंगवाओ, मेरा नंबर आता है, बोले कब कॉल किया भेजो स्क्रीन शॉट। ठीक है, 24 नंबर जो लास्ट में मंगवा लो स्क्रीन शॉट, कब कॉल किया है उसमें, कब ऐसा हुआ, बात नहीं हो पाई, हम तो सारे कॉल उठाते हैं जी। जी, तो अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नज़र में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है? ना, मेरी बस कोई समस्या नहीं है। इंडिविजुअल जो किसी के फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं वो तो डेली की बात होती है, उसको वहीं ठीक करा दिए जाते हैं सेंटर का। जी जी, कोई 7 दिन का तो कोई इशू किसी का है? मैं आपको एक बार कंज्यूमर है जी, मैं आपको एड्रेस एक बार कंफर्म कर देती हूँ, शायद आपको लगे। जीवन नगर पार्ट 2 कबाड़ा मार्केट मस्जिद, जीवन नगर पार्ट 2 कबाड़ा मार्केट। हाँ जी, आप एक काम करो ना, वहीं एक बार जाके उनके मीटर में चेक कर लो, बिजली आ रही नहीं आ रही, वहीं पता चलेगा 7 दिन से कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है सर। कई बार ये होता है ना, आदमी प्रेशर बनाने के लिए दिन बढ़ा देता है, है ना, कि मैं 7 बोल दूंगा तो बोले ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, भी चेक कर लो। मैं क्या बताऊँ उसमें, और उनसे फोन से वो ले लो, बता कब करा है फोन मेरे पास। कॉल की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100 में से 99 कॉल तो मैं उठाता ही उठाता हूँ, बिल्कुल तो मैं अपनी कह रहा हूँ, ठीक है ना।
कोई होगा उसका स्क्रीनशॉट दिखा दे कि भाई मेरे फोन में दिखा दे कब कब लगाया कब नहीं होता, तो मीटिंग मीटिंग में बैठे हैं तो अलग बात है, देखो बिल्कुल तो नहीं सकते ठीक है सर। तो मतलब पिछले दिनों आपके पास, पिछले दिनों आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई हो और आपकी नजर में हो? रिटर्न में ना फोन पे ना किसी माध्यम से कोई कंप्लेंट नहीं आई कि हमारी 7 दिनों से लाइट नहीं है, किसी इंडिविजुअल की नहीं आई, किसी कम्युनिटी मतलब 10-12 लोग ने किसी ने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आप कुछ सोचो ना, 7 दिन इस गर्मी में आदमी, मेरा 58वां ऑफिस है, अपने आप ही आ जाएगा, फोन है फोन नहीं उठेगा तो ऑफिस पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसी कोई कंप्लेंट होती तो। चलिए ठीक है सर, मेरे पास आया था इसीलिए मैंने सोचा कि लिखने से पहले आपसे पूछ लूं। हाँ, आप चाहे तो साइट भी देख सकते हैं, उनके मीटरों की डिटेल देख सकते हैं, तब जी। वो हम लैब में निकलवाते हैं, बताओ भाई कितनी कितनी लाइट आई है, वो उसी में से निकल आएगा जी, वो तो झूठ नहीं होगा ना, वो तो फैक्चुअल है जी, ठीक है ना, तो बोल तो कुछ भी सकते हैं, बोलने को तो भी है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।